हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट की। आप सभी लोगों के लिए एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस सेट है ये। इसके पहले मैंने आपको कुछ दिए थे और आज से और जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते, आपको जितने भी आपके सिलेबस में सब्जेक्ट हैं सभी के आपको सिक्वेंसली आपको मिलते रहेंगे। एमसीक्यू बेस्ड यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलती रहेगी। आप वहाँ से अपने प्रैक्टिस को और भी बेहतर कर सकते हैं। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट मिलेगा। अभी का जो सेशन है ये केवल जनरल अवेयरनेस का है। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी हैं आपके साइंस, सोशल साइंस, सबके प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप कोशिश करिए कि आप मेरे बताने से पहले आंसर दीजिए और सीरियसली इसको सॉल्व करिए और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने प्रश्न सही किए। ये 40 क्वेश्चन की श्रृंखला है, सभी को इसमें मैंने इंक्लूड किया है। और जो प्रश्न आपको नहीं आता उसको वहाँ पर लिख लीजिएगा और जब आपको पीडीएफ मिलेगी इसको रिव्यू फिर से आप उसको देखेंगे, चेक करेंगे कि कितने आपको आ रहे हैं कितने नहीं, तो केवल उसी प्रश्नों का रिविज़न करिएगा जो आप इसमें आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ से आपका रिविज़न और बेहतर होगा ताकि दोबारा अगर वो क्वेश्चन सामने आएगा तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं और पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग देंगे। पहला प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? बताइएगा पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था। ऑप्शन सुनिए, पहला है अबुल फजल, दूसरा है अब्दुल कादिर बदायूनी, तीसरा ऑप्शन है अलबरूनी और डी ऑप्शन है दाराशिको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अलबरूनी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं हम। भारत में हिंदुओं पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? बताना है आपको कि भारत में हिंदुओं पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक का नाम बताइए। ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी, दूसरा महमूद गजनवी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम और डी ऑप्शन है इल्तुतमिश। बताइए क्या सही होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम जो है राइट आंसर हो जाएगा। जितने आपको एमसीक्यू मैं कराऊंगी सभी एक चुनिंदा है, रिपीटेड है, हर एक एग्जाम में पूछने वाले ही प्रश्न इस पे मैंने रखे हैं। देखिएगा मक्का कहाँ पर स्थित है आपको बताना है अगला प्रश्न, और जो आपके एग्जाम का लेबल हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है इसको सेट को। बताइए मक्का कहाँ स्थित है, सीरिया में, ईरान, इराक या सऊदी अरब, कहाँ पर है मक्का? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सऊदी अरब। मक्का कहाँ पड़ता है, सऊदी अरब में पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। बताइएगा ये ज्योग्राफी से प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनती है? ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िए, स्थलीय सीमा पूछ रहा है, जलीय सीमा नहीं। स्थलीय सीमा किसके साथ सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन सुनिए, चीन, दूसरा है नेपाल, सी ऑप्शन है पाकिस्तान, डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। एक बात और जान लीजिए कि आप लोग जब ज्योग्राफी पढ़िए रिविज़न करिएगा तो इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे जो टॉपिक अभी मैंने यहाँ कराया, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी सीमा जो है स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, तो उसका मतलब ये है कि आपको इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूरा भारत का एक बार को मैप देख लीजिएगा, इसका ये तटीय किनारा है और इसके आसपास के जो कंट्री हैं उनके बारे में कि कौन सी सीमा कहाँ साझा कर रहा है, कितना क्षेत्रफल है, थोड़ा बहुत इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? आपको इतना तो पता ही होगा कि जो भारत है, भारत के ये सभी पड़ोसी देश हैं जिनके नाम यहाँ दिए हैं, जैसे नेपाल, भूटान और जो है चीन। तो बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो कि इन तीनों जो देश से सीमा साझा करता है या तीनों प्रदेश के सीमा पर है। तो आपको बताना है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है, तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा इसका। तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम। आप देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय ये सब तो पूर्वोत्तर राज्य आपके हो गए, सेवन सिस्टर में हो गए। सिक्किम भारत का मैप अगर आपने देखा होगा तो अंगूठे के आकार कैसे छोटा सा यहीं पर है सिक्किम। ठीक है, ऊपर आगे देखेंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? आपको बताना है भारत का कौन सा राज्य है जो कि निम्नलिखित दिया हुआ है इसमें से कि उसके तीनों ओर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। ऑप्शन सुनिए, पहला असम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है त्रिपुरा और डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो आपको राइट आंसर बताना, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि तीन ओर से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है इससे लगी हुई हैं।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगले प्रश्न को सॉल्व करिएगा। एक बात और है, ये क्वेश्चन जब सॉल्व करते समय अगर कोई ऑप्शन में किसी को लगता है कि ये आंसर नहीं होगा जो मैंने बताया, अगर मिस्टेक समझ में आए तो उसको भी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि वो क्वेश्चन गलत है या उसका आंसर गलत है, ठीक है, तो उसको ताकि सुधार लिया जाए कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे उसी क्वेश्चन को अगर वो गलती हुआ होगा तो। सभी को है कि अगर आपको लगता है ऐसा है तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, गलती हो सकती है, अगर ऐसा है तो बता दीजिएगा। आगे देखेंगे, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। ऑप्शन सुनेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है कन्याकुमारी, दूसरा है इंदिरा पॉइंट और सी ऑप्शन है नागरकोइल और डी ऑप्शन है रामेश्वरम। देखिए, इस आंसर को देने से पहले जब भी हम ज्योग्राफी पढ़े, चाहे इंडियन पढ़िए चाहे वर्ल्ड, अगर मैप की थोड़ी सी भी अगर नॉलेज हो गई आपको तो ऑप्शन जो होगा उसको आप अच्छे से चूज़ कर पाएंगे, गलती कम होती है। देखिएगा, जैसे भारत का इस तरीके से मैप होता है तो आपको पता है कि इधर वाला जो पूर्वोत्तर राज्य के बाद इधर का जो होता है ये क्या होता है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की इधर खाड़ी है, इधर क्या है, अरब सागर है, और नीचे इसके क्या है तो हिंद महासागर है। मैं इसको और ऊपर बना के बताती हूँ आपको, इस तरीके से मान लीजिए है मैप, तो इधर क्या हो जाता है, बंगाल की खाड़ी, और इधर अरब सागर हो जाता है और नीचे हिंद महासागर, ठीक है। तो यही आपका ये प्रायद्वीपीय भाग ये है पूरा आपका, तो यही पूछा जा रहा है कि ये जो अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी और ये हिंद महासागर, ये तीनों जहाँ यहाँ मिल रहे हैं यही पूछा है कि इसका नाम क्या है, तो आपको बताना है। अब ऑप्शन में आपको हिंट कर दिया है, अब बता सकते हैं आप जिनको ना पता रहा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, ठीक है। और इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट से प्रश्न आता है, इसको मैंने आपको बताया है कि कैसे पहचाने। इंदिरा कॉल जो है उत्तरतम पॉइंट है, मतलब सबसे उत्तरीय बिंदु है, और दक्षिणतम में बोले मतलब इधर आप देखेंगे जैसे कि आप जब मैप पढ़ते हैं इस तरीके से बना होता है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो होता है यहीं पर आपका इंदिरा पॉइंट मिलता है, और इंदिरा कॉल कहाँ मिलता है, ऊपर मिलेगा, ठीक, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के चार सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम बताना है आपको, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है। अब ज़रूरी नहीं है देखिए ऑप्शन यही दे, ऑप्शन बदला जा सकता है। तो भारत का मैप जो राजनीतिक मैप होगा, ठीक है, उसको पॉलिटिकल मैप जिसे कहेंगे, आप उसको देखिएगा एक बारी को, सबका लोकेशन ज़रूर देख लें कि कौन सा जो है स्टेट कहाँ पर लग रहा है भारत में, इससे भी प्रश्न आपको आया करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपको बताना है कि चार जो है प्रदेश दिए हैं, आपको बताना है क्रम से कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा, उससे छोटा कौन है, सबसे छोटा, इस तरीके से आपको बताना है। तो चार सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखेंगे। सबसे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तो यही ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, बताइए कि कौन सा ऐसा द्वीप है जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है एलिफेंटा, दूसरा है न्यूमूर द्वीप, और तीसरा ऑप्शन दिया है रामेश्वर है जिसको हम पम्बन द्वीप भी कहते हैं, और लक्षद्वीप, बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रामेश्वरम, यानी पम्बन द्वीप के नाम से भी फेमस है। जैसे ये भारत का मैप है, श्रीलंका यहीं आंसू की तरह से इस तरीके से लटका हुआ है ना, यहीं पर है ये रामेश्वरम। आगे देखिएगा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये प्रश्न आपको इस तरीके से भी पूछा जाता है कई बारी कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये प्रश्न तो पहले आया करता था। तो 8 राज्य हैं टोटल कि जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, इसके लिए ट्रिक भी आप लोग को पता होगी और इसको मैंने बताया भी था आपको, ठीक है, कि मित्र पर गमछा झार करके वो जो बनता है उससे 8 राज्य आ जाते हैं। तो बताइए कौन से हैं, वो गए ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे 8 राज्य का नाम ही इसमें दे रखा है, कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। जिनको याद ना हो राज्यों के नाम इसको रट लीजिएगा, ये यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं MTS एग्जाम में खास तौर से, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ और है कि अगर इसी ऑप्शन में यहाँ से मान लीजिए पश्चिम बंगाल है और यहाँ त्रिपुरा की जगह पे त्रिपुरा हटा के सपोज कर लीजिए यहाँ पर लिख दिया जाता है UP,
अब पूछा जाता कि और यहाँ उपरोक्त सभी की जगह आंसर ना देके दे देता ए प्लस बी, मतलब पहला भी ए ऑप्शन सही है बी ऑप्शन, तब आप ए बी को सही करते यानी तब डी ऑप्शन सही हो जाता है इसके अकॉर्डिंग। मतलब कहने का है कि जरूरी नहीं है कि इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा ऑप्शन क्या दिया है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके पॉलिटी से, चलिए इसका आंसर दीजिएगा आप सभी लोग कि राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु, ये पूछना ये चाह रहा है कि राज्यसभा का मेंबर होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। आंसर बताइएगा आप लोग कितनी उम्र होनी चाहिए, 25 वर्ष, बी ऑप्शन है 30 वर्ष, सी ऑप्शन है 32 वर्ष या डी ऑप्शन है 35 वर्ष। तो राज्यसभा का मेंबर अगर कोई होना चाहता है तो उसके लिए कम से कम उसकी आयु सीमा 30 होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राज्यसभा क्या होता है, ये एक स्थायी सदन है, कौन सा सदन होता है, स्थायी सदन होता है, ठीक, और ये उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। आगे देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है आपको बताना है। देखिएगा पूछा गया है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, बताइए 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसलिए राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, वो तो परमानेंट बॉडी है, वो तो रहेगी ही, जो उसके सदस्य होते हैं 2/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं हर 6 वर्ष पर, ठीक है, इसीलिए बोला है कि सदस्यों के जो है का वर्ष पूछा है कि सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अगर यहीं पे लोकसभा का पूछ लिया जाता तो लोकसभा में जो है उनका कार्यकाल 5 वर्ष का हो जाता, क्योंकि वो भंग हो जाती है और उसके 5 वर्षों बाद जो है दूसरी लोकसभा यानी दूसरा जो है उसमें पूरे मेंबर बनते हैं। आगे देखेंगे, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। मतलब राज्यसभा में तो भी हमने पढ़ा कि राज्यसभा में कितनी थी, 30 होनी चाहिए अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है। तो अगला प्रश्न यही पूछा गया कि लोकसभा में अगर चुनाव के लिए निर्वाचित होना है आपको तो आपकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। कम से कम 25 वर्ष का होगा तब लोकसभा का मेंबर बन सकता है। आगे देखेंगे, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या पूछी गई है कि कितनी है, जो वर्तमान समय में लोकसभा है इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इस समय है 543, मतलब 543 है टोटल, ठीक है, अगर हो कितनी सकती है तो 552 हो सकती है, लेकिन अभी है इतनी ही, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न का आंसर दीजिए, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू किया गया, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार लागू किया गया। ऑप्शन सुनिए, वर्ष 1951, 1955, 1964 या 1956, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1955। नेक्स्ट देखेंगे, अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ने कार्टा कहते हैं, मैग्ने कार्टा ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, किस भाग को, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, टोटल कितने भाग हैं, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 22 भाग हैं, सब जो उसके भाग हैं उसको जोड़ लिया जाए तो 25 हो जाएंगे। अनुसूचियां कितनी होती हैं इस समय वर्तमान समय में, तो 12 हैं, पहले कितनी थी मूल संविधान में, तो 8 थी, ये सब पॉइंट है याद रखिएगा। तो बताइए कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ने कार्टा कहते हैं, तो भाग 3 को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, बताइएगा कि मौलिक अधिकार किस में है, किस अनुच्छेद में लिखा गया है, अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235 या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35, 12 से 35 अनुच्छेद में जो है मौलिक अधिकारों को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित कुछ तथ्य दिए हैं और आप इसको पढ़िए और जवाब दीजिए कि इसमें से कौन सा सही होगा, बताइएगा कि जो मौलिक अधिकार हैं कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री के निर्देश पर निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है मौलिक अधिकारों के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वही सही हो जाएगा कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति का आज मन किया तो कल से निलंबित कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, जब आपातकाल लागू होगा तभी, कुछ केसेस हैं उसी के टर्म कंडीशन लागू होगी तभी जो है ऐसा हो सकता है कि मौलिक अधिकार कुछ लिए जाएं।
ताकि किसी को नुकसान न होने पाए। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के मौलिक अधिकारों से प्रेरित है? आपको बताना है कुल मिला के इस प्रश्न का आंसर कि जो मूल अधिकार भारतीय संविधान में है, अभी वर्णित है, वो किसके संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से? बताइएगा। ऑप्शन इंग्लैंड, दूसरा अमेरिका, तीसरा आयरलैंड और डी ऑप्शन है रूस। इस तरीके के प्रश्न सिर्फ मूल अधिकार से नहीं, और भी जो चीज़ें ली गई हैं वो सब पूछे जाते हैं। इसके लिए भी मैंने आपको जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के जो कराए थे सीरीज़, उस सब में ये सब चीज़ कराई थी। अगर पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर सही सही देंगे। बताइएगा, इंग्लैंड, अमेरिका, आयरलैंड या रूस, किसने दी है? तो ये हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है? आपको बताना है जो मौलिक अधिकार है उसकी प्रकृति कैसी है। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए है वाद योग है, दूसरा है अवाद योग है, तीसरा है असंशोधनीय है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वाद योग है। वाद योग का मतलब ये है कि अगर आपका कोई मौलिक अधिकार जो भी हम लोगों को मिले हैं, सभी नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को, उसका अगर हनन होता है, चाहे किसी व्यक्ति द्वारा, किसी राज्य का मतलब है किसी भी कर्मचारी या किसी के द्वारा, तो आप उसके लिए डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में डायरेक्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। इसके लिए है, और इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी आपको अनुच्छेद 32 के तहत बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें कि 5 प्रकार की रिटें जारी करता है डायरेक्ट। ये सब आपके मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो कोई व्यक्ति जरूरी नहीं हाई कोर्ट में जाए, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है किसी भी कारणवश। तो इसका मतलब वाद योग है, वाद योग मतलब सुना जा सकता है। ठीक है, और यहीं पर अगर नीति निर्देशक तत्वों को पूछ दिया जाता है, डीपीएसपी के लिए प्रश्न आया करता है, तो वो क्या होता है, अवाद योग है। आप उसके लिए कानून का सहारा नहीं ले सकते कि राज्य हमारी ये बात नहीं मान रहा है, हम कोर्ट में पहुंच जाएं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इकोनॉमिक्स से है, अब बताइएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? मतलब पहली जब पंचवर्षीय योजना आई तो किसको प्राथमिकता दी गई थी? प्रौद्योगिकीकरण को, नगरीकरण को, कृषि का विकास या शिक्षा का प्रसार, किस में जोर दिया गया? तो सबसे ज़्यादा है जो है कृषि पर जोर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना के हिसाब से। पंचवर्षीय योजना का टॉपिक मैंने जो खास खास मुद्दे थे उसको पढ़ाया है। आगे देखेंगे, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या रहा था? बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए सुनेंगे हेरोड डोमर मॉडल, दूसरा है महानोलोबिस मॉडल, तीसरा है दादा भाई नौरोजी मॉडल या जेएल नेहरू मॉडल। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोड डोमर मॉडल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे आप, अगला प्रश्न का आंसर दीजिए। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है, किसके द्वारा पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करेंगे? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, राष्ट्रीय सॉरी राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर, योजना आयोग द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा? पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है, आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, भारत का नीति आयोग कैसा आयोग है, इसको किस लिए बनाया गया है कुल मिला के, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन सुनेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है एक ये स्वायत्त शासी संस्था है, दूसरा है एक सलाहकारी संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है या एक वैधानिक संस्था है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, एक सलाहकारी संस्था है। आपको पता होगा कि नीति आयोग जो है इसको एक थिंक टैंक के रूप में मानते हैं, मतलब इसमें जो मेंबर होते हैं वो सलाह दे सकते हैं, पर ये बाध्य नहीं कर सकते कि जो हमने एडवाइस दिया वो आप मानिए ही, केवल ये सलाह देते हैं, इस वजह से इसको सलाहकारी संस्था कहते हैं। हिंदी में भी कभी कभी थिंक टैंक के नाम से पूछा जाता है, तो नीति आयोग होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? अब ये नहीं है लेकिन जब की गई थी तब पूछा जा रहा है, 1947 में, 1949, 1950 या 1951। तो जो भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1950 में, वर्ष 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? जब योजना आयोग पहले थी उसको जब हटाया गया तो उसके बाद नीति आयोग को लागू किया गया, वही पूछा जा रहा है कि जब नीति आयोग का गठन हुआ तो कब हुआ था, उसकी तारीख, ये बहुत रिपीट हुआ करता है, इसको याद कर लेंगे। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे,
अगला देखिएगा, यहाँ आपके साइंस से क्वेश्चन है, फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूपक बताइए कौन सा है। जो जो फास्फोरस है इसका सबसे स्थायी अपरूपक कौन है? ऑप्शन सुनिए, बैगनी फास्फोरस, दूसरा है काला फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है लाल फास्फोरस, डी ऑप्शन है सफ़ेद फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, जो पटाखे जलाते हैं उसी को पूछा है, उसके निर्माण में किस फास्फोरस का प्रयोग करेंगे? लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, काला फास्फोरस या बैगनी फास्फोरस? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है, माचिसों में प्रयुक्त होने वाला फास्फोरस कौन सा है? जो माचिस हम जलाते हैं उसमें फास्फोरस जो ऊपर लगा होता है, आप देखते होंगे ब्लैक या हल्का सा ब्राउन लिए होता है, तो उसमें फास्फोरस प्रयोग होता है, वही पूछा जा रहा है कि कौन से फास्फोरस का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सुनेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है सफ़ेद फास्फोरस, दूसरा है काला फास्फोरस, तीसरा है लाल फास्फोरस या डी ऑप्शन ए और बी दोनों, मतलब सफ़ेद और काला दोनों। आप राइट आंसर बताइए कि क्या हो सकता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है काला फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सबसे कम अभिक्रियाशील फास्फोरस अपरूप है, आपको बताना है निम्नलिखित में से जो दिया गया है तो कौन सा है जो कि सबसे कम अभिक्रियाशील फास्फोरस है। ऑप्शन सुनेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है काला फास्फोरस, दूसरा है श्वेत फास्फोरस, बैगनी फास्फोरस या लाल फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा काला फास्फोरस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एक चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा, ये जो आपको मैंने अभी बताया था कि माचिस में प्रयुक्त होने वाला जो फास्फोरस है, तो जो माचिस में हम प्रयुक्त करते हैं फास्फोरस उसमें लाल फास्फोरस होगा, ठीक है? ये बाई मिस्टेक ये गलती हुई है, इसको सुधार लें कि माचिस में प्रयुक्त होने वाला जो फास्फोरस है ये लाल फास्फोरस होता है, जबकि सबसे कम अभिक्रियाशील फास्फोरस, मतलब ऐसा कौन सा फास्फोरस है जो सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, तो वो हो जाएगा आपका काला फास्फोरस। तो इसको सुधार लेंगे आप सभी लोग। अगले प्रश्न की ओर चलिए, अगला देखेंगे, डेंगू बुखार यानी पित्त ज्वर जिसे कहते हैं, किस रोग वाहक द्वारा फैलता है, बताना है। ये आपकी बायोलॉजी का प्रश्न है, यहाँ से आंसर दीजिएगा आप कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए, जो डेंगू बुखार यानी पित्त ज्वर होता है किस रोग वाहक के द्वारा होता है, बताइएगा। ऑप्शन सुनिए, क्यूलेक्स फटिगन, और बी ऑप्शन है एनाफिलीज और कल्सीफेसीज के द्वारा, इंडीज एजिप्टी मच्छर के द्वारा या मनसोनिया न्यूनिफार्मिक्स के द्वारा, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा एंडीज एजिप्ट मच्छर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, काला जार जो ब्लैक फीवर जिसे कहेंगे का संचार किससे होता है, किससे होता है? काली मक्खी से होता है या सिकता मक्खी से या सीसी मक्खी या चिंचड़ी से होगा, किससे होता है काला जार, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकता मक्खी एक होती है उसी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग जो होता है को किस अन्य नाम से भी जानते हैं, कुष्ठ रोग का अगला नाम मतलब और नाम है उसके वो बताइए। ऑप्शन सुनेंगे, फर्स्ट है एंजाइना, दूसरा है हेंसन रोग, बी सी ऑप्शन है गौचर रोग और डी ऑप्शन है हाजकिन रोग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कुष्ठ रोग को और किस नाम से जानते हैं, तो उसको कहते हैं हेंसेन रोग, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर दीजिएगा, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो एक वयस्क मनुष्य है, वयस्क मतलब जैसे हम सब लोग, तो वही पूछा जा रहा है कि जो बड़े लोग हैं उसमें अस्थियां मतलब हड्डियों की जो संख्या होती है कितनी होती है, 214, 206, 253 या अनिश्चित, कोई निश्चित नहीं है, किसी में कितना भी हो सकता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 206, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अब आपको बताना है जो नवजात शिशु होता है, नवजात मतलब जो छोटा बच्चा है, उसके में हड्डियों की संख्या यानी अस्थियों की संख्या कितनी होगी, बताइएगा। 206, 230, 280, 300, तो उनमें होती है 300 होती है। ऐसा क्यों होता है कि मनुष्यों में जो बड़े हो जाते हैं तो 206 होती है और बाद में जो होता है कि 300 होती है? देखिए यहाँ पर आपको कारण ये है कि जब आप छोटे बच्चों को देखिए उनकी जो बॉडी होती है एकदम फ्लेक्सिबल होती है, एकदम लचीली होती है, उनकी हड्डियाँ जुड़ी नहीं होती हैं, तो हड्डियों की संख्या पहले ज़्यादा होती है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई हड्डी है और ये हड्डी जुड़ी नहीं है, अलग अलग है, तो इसको अलग अलग काउंट करके 300 बताते हैं, ठीक है? जब इसको जुड़ जाती है बड़े होने, जैसे जैसे हम वयस्क होते हैं बड़े होते जाते हैं हड्डियाँ जुड़ जाती हैं, इसलिए 206 हो जाता है।
आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख किया गया है? ठीक है, सभी को मोक्ष चाहिए तो बताइए कि मोक्ष का जो उल्लेख किस में किया गया है। ऋग्वेद में, पर्वतीय संहिताएं में, या ब्राह्मण में, या उपनिषद में, किस में बताया गया है मोक्ष के बारे में या वर्णन किया गया है? तो मोक्ष का जो है के बारे में मेन रूप से बताया गया है उपनिषद में। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलिए। बताइएगा, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? जो वर्ण व्यवस्था थी, मतलब जो समूहों को बांटते हैं, अब जो कास्ट जातिवाद हो गया है, हर एक मुद्दे पर बांटते रहते हैं, तो वही है कि पहले जो वर्ण व्यवस्था थी वैदिक काल में किस आधार पर थी? शिक्षा के आधार पर थी, कि जन्म के आधार पर थी, कि व्यवसाय या प्रतिभा के आधार पर थी, आपको बताना है। तो उस समय जो था, जो वर्ण व्यवस्था की गई थी उसको व्यवसाय के आधार पर बांटा गया था। पहले तो ये वर्ण व्यवस्था व्यवसाय के आधार पर बांटी गई और ये धीरे धीरे चलती आई और ये एक बड़ा सा रोग ही बन गई है। ठीक है, कि इस कास्ट के हैं वो चीज़ जो ज़्यादा लागू होती है। ठीक है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आगे देखेंगे, वेद शब्द का अर्थ बताना है आपको कि क्या होगा? ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता या शक्ति? वेद शब्द का अर्थ बताइए क्या होगा, वेद का क्या मतलब है? ज्ञान है, बुद्धिमत्ता है, कुशलता है या शक्ति है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान, वेद का मतलब है ज्ञान। आगे देखेंगे, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे? ये पूछा जाता है कई बार, ये जो होता वर्ड लिखा है पूछा जा रहा है, जब वैदिक कर्मकांड हुआ करते थे उसमें होता शब्द का प्रयोग करते थे, तो जो ये होता है इसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से है, सामवेद या अथर्वेद से है? ये जो ऋग्वैदिक काल और ये जो हमारे चारों वेद होते हैं इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत, इसको भी प्रश्न अक्सर रिपीट होते हैं। बताइए यहाँ पर फिलहाल होता का संबंध किससे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्वेद? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा और बताइएगा, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, मैंने आपको प्रमुख नेता जो कि 1857 की क्रांति में एक्टिव थे वो कहाँ से थे, मतलब कहाँ के लिए उन्होंने नेतृत्व किया, फिर उसी प्रकार से अंग्रेजों के जो सेनापति थे उन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया, इसके लिए अलग से लिस्ट दी थी, पढ़े होंगे तो आप इस दोनों का आंसर दे पाएंगे। बताइए, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किया, ऑप्शन ए सुनिएगा लक्ष्मीबाई, दूसरा अहिल्याबाई, तीसरा ऑप्शन है अरुणा आसफ अली और बेगम हजरत महल, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, बताइएगा, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? जो महारानी लक्ष्मीबाई थी उनका समाधि कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन सुनिएगा, मंडला में, मांडू में, जबलपुर या ग्वालियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में है महारानी लक्ष्मीबाई की जो है समाधि बनाई गई थी। मैंने अभी आपको जितने भी क्वेश्चन कराए, ये टोटल लगभग 40 क्वेश्चन हैं आपके, आपको बताना है कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए, और ये सीरीज का सीक्वेंस कैसा लगा आपको वो भी बता सकते हैं आप अगर इच्छा हो तो। बाकी आपको इसी तरीके की सीरीज अन्य सब्जेक्ट के भी मिलेंगे और कंटिन्यू जब तक आपकी एग्जाम नहीं होते। इस एग्जाम के बाद जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, आप लोगों में से कुछ अभ्यर्थी होंगे जो कि UP SSC में जूनियर असिस्टेंट के, आपको पता है कट ऑफ बहुत कम गई थी, 15.22 गई है, इसमें जनरल की भी है, OBC की भी कट ऑफ, SC की भी कट ऑफ यही रही थी, तो मैक्सिमम कैंडिडेट इसमें जा रहे हैं मेंस एग्जाम देने। अगर आप भी इसमें शामिल हैं तो बताएंगे, क्योंकि आपके लिए भी एक सीरीज शुरू होगी केवल प्रैक्टिस सेट की, वो भी GK GS और UP की, इसमें केवल आपको प्रैक्टिस दी जाएगी, ज़्यादा नहीं, डेली आपको 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन ऐसे कराए जाएंगे, और जो कि UP SSC के एग्जाम में ही पूछे गए होंगे उन्हीं को बस मैं कराऊंगी, ताकि उससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो और आप अच्छा ज़्यादा कर पाएं अपने एग्जाम में। तो ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप चाहें तो उसका जवाब मुझे दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द आपके साथ फिर नई सीरीज के साथ जुड़ेंगे। ध्यान रखिए अपना, और गर्मी बहुत है तो ध्यान रखते हुए पढ़ाई करिए, क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम के बाद भी बहुत सारे लक्ष्य हैं आप सभी के। सभी को बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए आराम से। जय हिंद।